हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉम्पिटेटिव स्टडी। तो आज के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये कॉम्पिटेटिव स्टडी का क्लास नाइन्थ के लिए मोशन चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को इस वीडियो में हम लोग बहुत ही आसानी से क्लियर करेंगे, सभी टॉपिक्स को समझते चलेंगे। इसीलिए फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट भी जरूर है, लेकिन इस पार्ट को अच्छे से देखना है क्योंकि इस पार्ट में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया बहुत ही अच्छे तरीके से। गारंटी देता हूँ आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉम्पिटेटिव स्टडी। तो आज के वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है मोशन चैप्टर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि मोशन होता क्या है। देखिए, हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए कि यहाँ है आप, ठीक है, और यहाँ से आप यहाँ तक कुछ दूरी तय करते हैं, यानी कि आप ये ए पॉइंट पर है और ए पॉइंट से आप यहाँ बी पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग अभी तक तो आपने क्या पढ़ा है मोशन, कि जब भी कोई व्यक्ति अगर पोजीशन चेंज करता है यानी कि वो मोशन में है। लेकिन अब कुछ नया सीखना है, यानी कि आप यहाँ से यहाँ तक आए तो ये तो पता चला मोशन है, लेकिन ये आपको कोई ऑब्जर्व करने वाला भी होना चाहिए ना। और ये भी है कि आप टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ से यहाँ आए तो आपको टी बराबर तो कुछ तो समय लगा होगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर एक जगह से दूसरे जगह जाता है टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी वो मोशन में है। लेकिन अब आपको क्लास नाइन्थ में ये भी इंक्लूड होगा कि ऑब्जर्वर, यानी कि आपको कोई देखने वाला भी होना चाहिए, यानी कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए तो आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि अगर ऑब्जर्वर यहाँ से आपको देख रहा है, आप यहाँ से यहाँ तक गए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चल के गए, अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक दूरी, ऑब्जर्वर से आप तक दूरी बहुत हो जाएगा, पहले दूरी ए था तो अब दूरी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि ये ऑब्जर्वर ये वाला है, इसको पता चल जाएगा कि आप क्या है, मोशन में है। यानी कि अब हो गया कि मोशन का डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन ए बॉडी चेंज इज पोजिशन इन अकॉर्डेंस ऑफ ऑब्जर्वर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ऑब्जर्वर की अवेलेबिलिटी और टाइम के रेस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी मोशन में रहता है तभी उसको मोशन कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, मोशन का डिफिनेशन लिख लीजिए, व्हेन ए बॉडी चेंजेज इट पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन अकॉर्डेंस ऑफ ऑब्जर्वर। ये आप लोग समझ गए ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर क्या होता है। ऑब्जर्वर को अभी हमने समझा दिया, जो ऑब्जर्व करता है, यानी कोई भी व्यक्ति मोशन में है ऑब्जर्वर कौन हो सकता है, या लिविंग और नॉन लिविंग भी हो सकता है। पेड़ को भी ऑब्जर्वर माना जाता है, वो कंडीशन आपको पता चलेगा चैप्टर के और गहराई तक पड़िएगा तो पेड़ को ऑब्जर्वर कब मान सकते हैं। ऑब्जर्वर को हम लोग एक और चीज़ बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको मैंने पहले भी बता दिया। ऑब्जर्वर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन और टाइम, ये सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर को ही कहा जाता है जो आपको देख रहा है। तो यही होता है मोशन की, जब भी कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जाता है टाइम के रेस्पेक्ट में, और उसको कोई ऑब्जर्व करने वाला होना चाहिए। और मोशन के भी कई इक्वेशन होते हैं, जैसे कि अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो मोशन, अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो पता करेगा कि आप यहाँ से यहाँ तक गए, अगर ऑब्जर्वर भी यहाँ से चल रहा है, यहाँ तक चला ऑब्जर्वर और आप भी चल रहे हैं, दोनों मोशन में है तो पता चलेगा कि ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करके कहे कि रेस्ट में मोशन में। अब ये सभी इक्वेशन पूर्ण है, इन इक्वेशन को छोड़ के मोशन के बारे में पढ़ना और आपके बुक का एक्सरसाइज में क्या एक्टिविटी दिया हुआ है उससे आपको अभी इमोशन समझना है। चलिए अब हम लोग बुक के एक्सरसाइज को पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे पहले पार्ट में हमने आपको बता दिया था कि मोशन के बारे में फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये सभी हम लोगों ने डील कर लिया था पिछली पार्ट में। अब हम लोग बुक के एक्सरसाइज को एनसीईआरटी को देखेंगे, और आप लोग से लिए एक जरूरी सूचना है कि कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम आपके लिए बेसिक कंसेप्ट शुरू करें, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी से लेकर मोशन में जितना भी चैप्टर टॉपिक सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे, या आप ये बताइए कि हम आपके लिए एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें, ये जरूर बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके। करते हैं तो बुक में क्या है, इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर इन मोशन, ये सब बुक का एक्सरसाइज जो आप लोग जानते हैं, ये थोड़ा देखना है। तो हम लोग को देखना है अभी रेस्ट, मोशन तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब हम लोग को रेस्ट देखना है। देखिए रेस्ट होता क्या है, आपको हम रेस्ट बताते हैं। तो सपोज करिए कि आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे हमने मोशन का एग्जाम्पल लिया था, एक रेस्ट ये ऑब्जेक्ट है, ये आप एक बार पहले आप सोच लीजिए, इसका आंसर आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ए पॉइंट है और यहाँ बी पॉइंट है, और यहाँ पर है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर, यानी कि ऑब्जर्व कर रहा है, इसको देख रहा है,
इस पर्सन को देख रहा है ये ऑब्जर्वर, ठीक है। तो एक पार्टिकल जब ए से बी तक दूरी तय किया और जब जो ऑब्जर्वर है ये भी कुछ दूरी तय किया बी तक, इसके समान यानी कि ये जितना चल रहा है ये भी इतना चल रहा है, तो क्या आप इसमें एक कंडीशन बताइए कि क्या ये ऑब्जेक्ट जो ये वाला पार्टिकल है ये मोशन में है या रेस्ट में है, आप जल्दी से सोच के कमेंट करिए। तो देखिए ये पार्टिकल मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पार्टिकल पहले वाला पार्टिकल था यानी कि जो चल रहा था वो क्या है, रेस्ट में है, क्योंकि वो इसके हिसाब से रेस्ट में है, ऑब्जर्वर के हिसाब से। यानी कि रेस्ट मतलब ये नहीं कि सिर्फ ठहरना, आपको कोई ऑब्जर्व भी करने वाला, ये नहीं कि रेस्ट में ऑब्जर्वर का कोई बात नहीं होता है, आप बैठे हैं नहीं रेस्ट में, यानी कि आपको कोई अगर देख रहा है कि आप रेस्ट में, तभी आपको साइंस के हिसाब से क्या कहा जाता है कि आप रेस्ट में है। एग्जाम्पल देगा तो अगर आपके कोई ऑब्जर्वर के टाइम के हिसाब से और ऑब्जर्वर के हिसाब से अगर आप रेस्ट में है तब आप रेस्ट में है, और अगर आप ऑब्जर्वर के हिसाब से टाइम के हिसाब से आप अगर चल रहे हैं मोशन में तो मोशन में है। तो यानी कि रेस्ट का डिफिनेशन आप कह सकते हैं कि व्हेन ए बॉडी डू नॉट चेंज इज पोजिशन इन रेस्पेक्ट टू टाइम इन अकॉर्डेंस ऑफ ऑब्जर्वर, ये आप लिख सकते हैं अपने रेस्ट का। अब हम लोग मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन को पढ़ने से पहले सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको डील करेंगे। वैसे तो इन सभी टॉपिक्स को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की एक और वीडियो आएगी जिसमें आपको ये आपको थोड़ा मैं अभी समझा रहा हूँ तो ये आपको लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन दूसरे से एडिट करके अच्छे से मैं अपलोड कर दूँगा राइट करके, तो आप लोग उसी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग इस सभी मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन ये सभी अच्छे से चैप्टर को समझना है तो इस चैप्टर का जहाँ से शुरुआत हुआ है वहीं से चलते हैं, तो क्योंकि अगर बीच बीच में से जाएंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा ये समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग जानते ही होंगे चैप्टर का शुरुआत हुआ है फिजिकल क्वांटिटी से, किससे, फिजिकल क्वांटिटी से। तो हम लोग जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी जिस भी क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, मेजर करना मतलब माप सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ए से बी तक दूरी तय किया तो यहाँ तक तो हम लोग दूरी तो माप सकते हैं ना भाई, तो ये क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि डिस्टेंस को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। तो ये सभी फिजिकल क्वांटिटी हो गया, यानी कि जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। मेजर कर किस किस को कर सकते हैं, लेंथ को कर सकते हैं यानी कि लंबाई को कर सकते हैं, जैसे कि कपड़ा लेते हो तो 2 मीटर लेते हो, 3 मीटर लेते हो, आपका जितना साइज है उतना कपड़ा लेते हो। उसके बाद लेंथ हो गया, लेंथ के बाद आप यहाँ पर मान सकते हैं कि डिस्टेंस, ये भी मान सकते हो लेंथ, डिस्टेंस, फोर्स, टाइम, ये सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि जिस भी क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं वो सभी फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी का भी दो टाइप्स होता है, दो टाइप्स कौन कौन होता है वो हम लोग, अब फिजिकल क्वांटिटी का भी दो टाइप्स होता है वो कौन कौन सा होता है हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ये सभी आप नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो एक और वीडियो आएगी जिसमें नोट्स से मैं आपको सभी टॉपिक समझा दूंगा। और एक होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए स्क्रीन पर लिख रहा हूँ। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ देता नहीं, आपको आगे समझा के निकल जाएगा, आपको समझ में आ ही ना है। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी होता क्या है, जिसमें सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, क्या हो, मैग्नीट्यूड। अब आप लोग पूछेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नीट्यूड होता क्या है, यानी कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। फॉर एग्जांपल देखते हैं, सपोज कीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं स्केलर क्वांटिटी का, कि आप गए शॉप पे, आप अपने गांव के या शहर के जो भी है शॉप पर गए चीनी चावल वगैरह लेने, चीनी चावल वगैरह लेने, तो आप गए बोले कि मुझको 2 किलो चीनी दे दीजिए और 3 किलो चावल दे दीजिए, ठीक है, आपने ये बोला। तो इसमें मैग्नीट्यूड का बात क्या होता है कि जो भी यूनिट होता है उसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं, कि आपको चीनी लेना है तो कितना केजी लेना है, जैसे कि 2 केजी चीनी में इसमें 2 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। ऐसे ही आप अगर यहाँ से आपको पटना जाना है तो आप बोलेंगे कि मुझको 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें से जो 60 है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है, और किलोमीटर क्या है, उसका यूनिट है डिस्टेंस का। वैसे ही किलोग्राम क्या है, यूनिट है, और
टू क्या है पर मैग्नीट्यूड है, यहाँ से ध्यान से समझ लीजिए, टू की हम लोग क्या बोलेंगे मैग्नीट्यूड, यानी कि आपको दो कि आपको 2 किलो चीनी लेना है, 4 किलो चावल लेना है, 5 किलो दाल लेना है, कुछ भी लेना है, उसमें से न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी कि आप कितना क्वांटिटी में ले रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। यानी कोई भी पूछेगा तो फट से जवाब दे दीजिएगा मैग्नीट्यूड क्या होता है, आसानी से लिख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी यूनिट्स, और बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड इज अ, मैग्नीट्यूड को आप एक और किसी भी थिंग का मास है, जैसे कि 2 किग्रा जो चावल क्या है 2 किग्रा मास है, तो वैसे ही आप समझ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी पढ़ लिए, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में आपका होता है, लिख लीजिएगा VECTOR, वेक्टर में आपका होता है मैग्नीट्यूड होता ही होता है, उसके साथ क्या होता है डायरेक्शन भी होता है। अब हम लोग इसको भी देखेंगे कि भाई 2 किलो चीनी लेना है, तो 2 किलो चीनी लेना है तो उसमें तो डायरेक्शन थोड़ी ना है, इसीलिए वो क्या है स्केलर है। इसीलिए आप अगर कोई भी एग्जांपल एनसीईआरटी में ज़्यादा देता है कि व्हाई दिस इज स्केलर, व्हाई दिस इज नॉट वेक्टर, ये सब आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप सभी को डिफाइन कर सकते हैं। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। सपोज करिए कि इसका एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए कि आप यहाँ हैं, ठीक है आप यहाँ हैं, आपको यहाँ से अगर यहाँ तक ए से बी तक जाना है, ठीक है ए से आपको बी तक जाना है, ठीक है, तो अगर आप ए से बी तक गए और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किए, या मान लीजिए आप ए से बी तक जाना है, या आप ऐसे भी रास्ता ही ना छोड़े ना कि सब रास्ता सीधे होगा, आप यहाँ से यहाँ तक मुड़ भी गए, फिर मुड़ के इधर से फिर मुड़ के गए, यानी कि मुड़ मुड़ के जा रहे हैं आप, कैसे भी जा रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप डिस्टेंस को ट्रेवल करें, क्यों इसमें डायरेक्शन है लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। आप स्केलर क्वांटिटी में ये भी लिख लीजिएगा कि इन दिस डायरेक्शन इज नॉट फिक्स, डायरेक्शन तो होता है किसी किसी में लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ से गरखा गए, ठीक है गरखा गए यहाँ से, तो आपको गरखा जाना है, तो यहाँ से आपको ये थोड़ी ना है कि रास्ता आपको एकदम सीधा चले जाना है, आपको कितना बार मुड़ना पड़ेगा, तो आप डिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को देखते हैं, इसी पर जैसे कि आप यहाँ हैं, यहीं पर डिफरेंस हो जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। आप यहाँ हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, ठीक है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, आपको हम यहाँ से बोल दिया कि आपको यहाँ से छपरा जाना है, ठीक है सारण, तो यहाँ से ए से बी तक आपको जाना है सारण, तो ए से बी तक एकदम आपको स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड है, तो यही क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होगा जल्दी कमेंट करो, क्योंकि इसमें डायरेक्शन फिक्स है और मैग्नीट्यूड भी फिक्स है ही, यानी कि यहाँ से छपरा जाना है 10 किलोमीटर वो भी फिक्स ही है, डायरेक्शन भी फिक्स है कि आपको सीधे जाना है तो ये भी फिक्स है, तो यानी कि फिक्स डायरेक्शन है। अगर फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा, जैसे कि आप कैसे भी कवर कर लिए इधर उधर, कैसे भी जाके डिस्टेंस कवर कर लिया, वो डिस्टेंस हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपको एक ही डायरेक्शन में जाना, चाहे तो स्ट्रेट जाओ चाहे तो टेढ़ा जाओ, एक ही डायरेक्शन में सीधे चल जाना है, वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आपको वेक्टर समझ में आ गया कि जिसमें स्केलर जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, कि आपको एक ही डायरेक्शन में जाना है, तो ईस्ट की तरफ या तो वेस्ट की तरफ सीधे वेस्ट ही जाना है, कहीं मुड़ना नहीं, अगर वैसे रहा था तो सब कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लेता, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या डिफरेंस है, तो आप ये बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट, आपसे कोई भी पूछे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, तो आप ये बोल सकते हो यही अंतर होता है कि डिस्टेंस क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। अभी आप समझ लीजिए मेरी बातें को, ध्यान से सुन लीजिए, अगले वीडियो में आपको नोट्स लिखवा दूंगा, आप लोग समझ सकते हैं कि मोबाइल पर आपको लिखने में थोड़ा तरह से दिक्कत होता है। तो डिस्टेंस क्या है स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, रीजन भी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन बोथ भी होता है, कि आप पर मेरे घर जो है रोड साइड में, इसीलिए आपको थोड़ा व्हीकल्स का साउंड सुना रहा है, इसीलिए थोड़ा इसको इग्नोर करिएगा। तो ये होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे डिफरेंस, और डिस्टेंस में और भी डिफरेंस जान लीजिए कि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। कोई भी आपसे पूछेगा कि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे मीटर, यानी कि डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, और डिस्प्लेसमेंट बाकी
का यूनिट ही मीटर होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक तरह से डिस्टेंस है। वो सिर्फ क्या है अंतर कि वो एक डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है। बस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही तरह का है, कुछ बुक में आपको वैसे ही भी दे दिया जाए। तो डिस्टेंस को हम लोग किससे शो करते हैं, डी से, यानी कि अगर बुक में शॉर्टेस्ट फॉर्म आएगा डिस्टेंस का तो डी आएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट का आएगा तो एस आएगा। यानी कि पूरे डिस्प्लेसमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप फिजिक्स में एस से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं तो आप डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, डी से डिस्टेंस बोल सकते हैं। ये हो गया डिस्टेंस, और दूसरा सिमिलरिटीज हो गया, और तीसरा सिमिलरिटीज हो गया आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन में इक्वल होता है। अभी हमने क्या देखा था, स्ट्रेट लाइन मोशन यहीं पर है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में सेम ही होता है। जैसे कि डिस्टेंस आप सब ट्रेवल कर रहे हैं, ए से यहाँ से बी तक गए, ए से बी तक, तो ए से बी तक डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ए से बी तक ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ पर हम एस से भी शो कर सकते हैं, क्यों ज़्यादा लाभ रख रहे हैं, ठीक है। तो एस से हम इससे शो कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट, ए से बी तक गए, तो इसमें डिफरेंस ही क्या है कि सिर्फ इसका फिक्स डायरेक्शन है, ए से बी तक ही जाना है, स्ट्रेट लाइन सीधा जाना है, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं, इसमें भी तो सीधा है, स्ट्रेट मतलब सीधा हो गया, तो दोनों का बात तो बराबर हो गया, डायरेक्शन तो कट ही गया, डायरेक्शन को कोई सवाल ही नहीं, डिस्टेंस भी ट्रेवल कीजिए करते हैं, ए से बी भी करेगा क्योंकि फिक्स स्ट्रेट है, और डिस्प्लेसमेंट भी करेगा, तो ऐसे भी है, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है इन व्हाट कंडीशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी इक्वल, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगा। तो भाई इक्वल कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। अब हम लोग चौथे पॉइंट को बात कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, कि अगर सर्कल में पूरा होल राउंड किया जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर्कल का, सपोज करिए कि एक लड़का है, ठीक है, और एक लड़का यहाँ पर ए पॉइंट से लेकर यहाँ तक, फिर ए पॉइंट से लेकर फिर ए पॉइंट तक ही आ जाता है, यानी कि पूरा होल राउंड करता है। तो एक लड़का है ए बी, इसका नाम है बी, ए पॉइंट तक पूरा होल राउंड करता है, ये क्या करता है डिस्टेंस ट्रेवल करता है, होल राउंड करता है। तो डिस्टेंस ये अगर ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस अगर निकालना है तो क्या आ जाएगा, इस सर्कल का अगर रेडियस दिया है तो फाइंड कर सकते हैं, डायमीटर दिया है तो फाइंड कर सकते हैं, वैसे तो आप फाइंड क्या कर सकते हैं, इसका सर्कमफेरेंस निकाल देना है, 2πr, अगर कोई भी होल राउंड करे पूरे सर्कल का तो आपको उसका सर्कमफेरेंस निकाल देना है, r दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो वैसे ही पुट करके फाइंड कर लीजिए। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते, अब हम लोग बात कर लेते हैं अगर सर्कल में कोई अगर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, यही एक लड़का सर्कल में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो एक आप डिस्प्लेसमेंट का एक और भी डिफिनेशन लिख लीजिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, यानी कि अंतिम से, शुरुआत से लेकर अंतिम तक शॉर्टेस्ट दूरी, सबसे कम दूरी, सबसे शॉर्टेस्ट दूरी, सबसे नज़दीकी रास्ता को चूज करता है डिस्प्लेसमेंट। यानी कि आप ए पॉइंट से शुरू किया और ए पॉइंट तक आ गए, यानी कि शॉर्टेस्ट दूरी की क्या हुआ, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच, यही हुआ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। यानी कि सर्कल में अगर कोई भी होल राउंड करता है सर्कल का, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच कंडीशन डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, यानी कि जीरो डिस्प्लेसमेंट कब हो सकता है, जब कोई भी व्यक्ति अगर सर्कल का होल राउंड कवर करता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और मैं आप बनाते चले जाऊंगा, अभी बहुत वीडियो एडिट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए इतना मेहनत करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब क्या करना है, ज़रूर करना है, ज़रूर से ज़रूर करना है। और एक बात मत भूलिएगा, कमेंट करना, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट पार्ट नोट्स पर लाऊं और क्या इसी पर नेक्स्ट पार्ट ला दिया जाए, क्योंकि इस चैप्टर को ज़रूर कवर करेंगे, टाइम मिले मैं वीडियो आपके लिए ज़रूर लाऊंगा, ठीक है। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।